एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पकोड़े वाली कढ़ी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ ये मटेरियल लिए हैं। दही, ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का क्रश करके रखा हुआ है, टमाटर, मेथी के दाने, कड़ी पत्ता, बेसन, ये इतना चीज़ हमको कढ़ी के लिए लगने वाला है। और इसके लिए हम जो पकोड़े बना रहे हैं उसके लिए हमने लिया है बेसन और प्याज। हमने ये पतले पतले प्याज काट के रखे हैं। प्याज जो है वो ऑप्शनल है, मुझे प्याज पसंद है इसलिए मैं पकोड़े में डालने वाली हूँ। अदरवाइज कढ़ी पकोड़े जो होते हैं उसमें प्याज नहीं डलता है, बट मैं डाल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमने एक ये लंबा पॉट ले लिया है, इसमें हम दही डाल देते हैं, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का जो क्रश है वो हम डाल देंगे इसमें, और बेसन। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देते हैं और नमक। अब इसको बहुत अच्छे से हम घोट लेंगे। चलिए पहले कढ़ी बना लेते हैं हम। हमने ये पॉट लिया है, उसमें तेल और मैंने थोड़ा सा राई डाला है। अब थोड़ा सा जीरा ऐड कर देते हैं इसमें, मेथी के दाने, कड़ी पत्ता और हमने ये जो जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का क्रश किया है, बनाया है, वो भी ऐड कर देंगे। हमने वो कढ़ी में भी डाला है। डाल देते हैं, टमाटर ऑप्शनल है, बट टमाटर का फ्लेवर कढ़ी में बहुत बढ़िया आता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप हींग भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी हींग ख़त्म हो चुकी है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बट हींग आप ज़रूर डालिए इसमें। टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम दही ऐड कर देते हैं। हमने दही में ऑलरेडी हल्दी, नमक और थोड़ा सा बेसन डाला है। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तब तक चलिए पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं हम। बेसन में प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेते हैं। जैसे हम पकोड़े तलते हैं उस तरह से ही बैटर बनाना है इसका। हमने पकोड़े का बैटर रेडी कर लिया है, अब चलिए इसके पकोड़े तल लेते हैं। हम बहुत बड़े बड़े पकोड़े नहीं तल रहे हैं, थोड़े छोटे ही रखेंगे। हमने
एक बार हमारी कढ़ी देख लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर पक रही है। हमने पकोड़े वाली कढ़ी के लिए पकोड़े में प्याज डाला है, वैसे ये ऑप्शनल होता है। जब हम कढ़ी पकोड़ी या पकोड़े वाली कढ़ी बनाते हैं तो उसमें प्याज और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले जाते, बट मैंने डाला है। हमने ये देखिए क्रंची पकोड़े निकाल लिए हैं, इसको हम कढ़ी में ऐड कर देते हैं। थोड़े से पकोड़े हम और तल के रखेंगे, जब खाते वक्त इसमें अलग से डालेंगे। हमारी प्याज के पकोड़े वाली कढ़ी एकदम रेडी है, देखिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।